आज हम पढ़ेंगे फाइलम निमेटी हेलमेंथिस, इसे फाइलम निमेटोडा भी कहते हैं। और फाइलम निमेटोडा का जो सुपर फाइलम है वो एस्के हेलमेंथिस है, जिसे स्यूडो सिलोमेट फाइला कहते हैं। एस्के हेलमेंथिस का इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि ये सबसे पहला फाइलम है जिसमें सीलोम का डेवलपमेंट होता है, और वो भी फाल्स सीलोम होता है, जिसे हम स्यूडो सिलोम कहते हैं। तो एस्के हेलमेंथिस के जंतुओं को स्यूडो सिलोमेट भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्के हेलमेंथिस में ये जो फाइलम है निमेटी हेलमेंथिस, या इसे निमेटोडा कहते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आता है, राउंड वर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले हम निमेटी हेलमेंथिस में इसके नाम का मतलब समझते हैं। ये ग्रीक वर्ड नीमा से बना है। यहाँ पे नीमा का मतलब होता है थ्रेड, और हेलमेंथिस का मतलब होता है वार्म। मतलब ये जो वार्म या प्लेटी हेलमेंथिस के एनिमल हैं, इनकी बॉडी कैसी होगी, थ्रेड लाइक होती है, धागे नुमा दिखता है। अब हम इसमें यहाँ पर इस डायग्राम को देखते हैं। ये एस्केरिस है, एस्केरिस लोम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं इसको। और यहाँ पर मेल और फीमेल, ये दोनों एस्केरिस इस डायग्राम में आपको दिखाई देते हैं। इधर ये जो ए वाला फिगर है, ए वाला जो फिगर है, ये मेल वाला एस्केरिस है, और इधर वाला जो फिगर है बी वाला, ये फीमेल है। तो मेल और फीमेल, मेल की जो साइज है वो क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है, और इसका जो टेल है वो कैसा पाया जाएगा, कर्व्ड होता है, और जो फीमेल है उसमें स्ट्रेट टेल पाया जाता है। उसके बाद ये पहचान होती है, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये डायोसियस होता है, मेल फीमेल अलग अलग है, मेल स्मॉल होता है फीमेल से। तो इस तरह से इसकी बॉडी को हम बाहर से ही देखकर पहचान सकते हैं। तो ये निमेटी हेलमेंथिस का है। अब हमें निमेटी हेलमेंथिस का कैरेक्टर देखना है। तो जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो अक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब पानी में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। वारर पैरासिटिक होते हैं, या फिर क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, और इन्हें जो है राउंड वार्म्स भी कहा जाता है। उसके बाद बॉडी इलांगेटेड होती है, यानी बॉडी लंबाई में अधिक होती है, और सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होती है, एंड अनसेगमेंटेड होती है। और बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल के ऊपर जो है थिक क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल की मोटी परत बॉडी वॉल के ऊपर मिलती है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ लेते हैं। उसके बाद ये जो एपिडर्मिस है वो सेलुलर या सिंसिटियल होता है। सिंसिटियल मतलब क्या होगा कि इसमें वाल नहीं पाया जाएगा, जिसमें जो साइटोप्लाज्म है वो क्या मिलेगा, एकदम मिक्स्ड रहेगा हर सेल का। तो ये जो सिंसिटियल एपिडर्मिस यहाँ पर भी मिलेगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स पाए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स के यहाँ पर फोर बैंड्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे यहाँ पे, फोर बैंड्स। उसके बाद इसका अगला करेक्टर है नो सीलिया, मतलब इसमें सीलिया नहीं पाए जाएंगे। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर देखेंगे एस्के हेलमेंथिस, ये पहला फाइलम है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मिलेगा, यानी माउथ भी मिलेगा और एनस भी मिलेगा। यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाएगा और ग्लैंड्स मिलेंगे। उसके बाद अगला है आप ग्लैंडुलर ऑर्गन्स कैनाल स्वारर बोथ, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम बना होता है उसमें ग्लैंडुलर ऑर्गन्स कैनाल्स या फिर दोनों पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है इसका, वो सर्कम सेंट्रिक रिंग के रूप में पाया जाता है। कैसे मिलेगा यहाँ पे, सर्कम सेंट्रिक रिंग के रूप में। एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स पाया जाएगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स इसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। जो सेंस ऑर्गन होता है वो बहुत सिंपल होता है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे डायोसियस होता है। ये क्या होगा, डायोसियस यहाँ पे आप देखेंगे, डायोसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल विथ पीनियल स्पिक्यूल्स, जो मेल होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और वो स्मॉलर देन फीमेल होता है।
मतलब फीमेल से क्या होता है, स्मॉल साइज के होता है। गोनेट जो है वो वन या टू होता है, यानी जिसमें गैमीट बनते हैं गोनेट्स में, उनकी संख्या क्या होती है, वन या टू होती है। यहाँ पर मेल गेनाइटल डक्ट लीड इनटू क्लोइका। क्लोइका क्या होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें यूरिनो गेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो आ करके ओपन होते हैं। तो यहाँ पर मेल गेनाइटल डक्ट जो है वो किस में लीड करेगा, किस में जुड़ेगा, क्लोइका में। उसके बाद जो फीमेल गेनाइटल डक्ट है विथ ए सेपरेट ओपनिंग, यानी फीमेल गेनाइटल डक्ट जो होगा वो एक सेपरेट ओपनिंग मतलब एक अलग ओपन होगा। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, मेल गेनाइटल डक्ट जो है वो क्लोइका में जाकर खुलता है, जबकि फीमेल गेनाइटल डक्ट जो है वो सेपरेट ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होगा, यूजुअली डायरेक्ट होगा, मतलब इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा। नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर रिजनरेशन, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिजनरेशन का प्रोसेस नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस्केरिस है, निकेटर है, उचरेरिया है, ट्राइकिनेला है, एंटेरोबियस है, ये सभी निमेटी हेलमेंथीस के एग्जाम्पल हैं। और सबसे फेमस एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सबसे फेमस एग्जाम्पल यहाँ पर एस्केरिस होगा। यहाँ पर आपके सिलेबस में एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स को ही पढ़ना है, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि ये मेल एस्केरिस की बॉडी और ये फीमेल एस्केरिस की बॉडी है। तो अगले वीडियो में हम इसकी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी हम जो है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स की मार्फोलॉजी और उसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे।